इधर है भारत और उधर है पाकिस्तान, तो वह सामने लिखा हुआ है पाकिस्तान, जहाँ पे सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया था। यही वो रोड है जिसमें जिसे सीधा आगे पाकिस्तान निकलता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे लव कुश ने घोड़ा पकड़ कर बांधा था। इस वाघा बॉर्डर आते ये तो एक रिचुअल है भाई, ये तो करना ही पड़ता है। वहाँ शीशे से हटा तो अब कैमरा खुल के खड़ा हो गया। अरे भाई समझ रहे हो ना, इतनी ज्यादा भीड़ वहाँ, खचा खच भरा हुआ एकदम। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग तो देख ही रहे हो कितने फुल स्मार्ट बन के निकल रहे हैं। तो बस बॉयज, अभी का सीन ऐसा है कि अभी ऑलमोस्ट भाई मेरी घड़ी कहाँ है, ये रही घड़ी। तो ऑलमोस्ट अभी 8 बज चुके हैं और हम लोग हो चुके हैं फुल तैयार। हर्ष भी एकदम फुल तैयार हो चुका है और रूम की हालत कुछ इतनी खूबसूरत सी हो गई है ना कि समेटते समेटते हालत ख़राब हो गई। ऑल दो मेरा बैग यहाँ रखा है, हट भाई कोने खड़ा हो जाए, वहाँ हाथ बांध के चुपचाप शरीफ हो किधर है। तो भाई हम लोगों ने कपड़े कुपड़े धो, कच्चे कुच्चे भाई यही सब फैल रहे हैं, तो हम लोग पंखा चला के जाएंगे भाई। तो रूम थोड़ा ज़्यादा मैसअप सा हो रखा है, बस ये कि आज हम लोग सिर्फ एक ही बैग लेके जा रहे हैं, अपने दोनों वो वाले डीकैथलॉन के छोटे वाले बैग छोड़ के ही जा रहे हैं यार। तो इस बस अब अभी सीन ये है कि अब पहले हम लोग यहाँ से निकलेंगे गोल्डन टेम्पल। आपको जैसा बताया था यार, हम लोग यार पता है दर्शन नहीं कर पाए थे भाई, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना भाई ये बंदा, तब से शीशे में नहीं आ रहा भाई अपने को। काला टीका भी लगा लो, नजर लग जाएगी अपनी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखो भाई, जो बाबू भैया के कट्टर फैन होंगे उन्हें पता है कि प्रणव भैया कौन है। UK07 राइडर का भाई। तो बस यार अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग जाएंगे गोल्डन टेम्पल, क्योंकि यार जैसा कि आपको पता है कल हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे। ऑल तो अंदर गए थे बट ये कि दर्शन तब तक बंद हो चुके थे, तो बस अब यार दर्शन करने उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बड़े हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे बहुत फेमस है। और आज तो ट्यूसडे है, तो आज तो हनुमान जी का दिन है, तो वहाँ तो दर्शन करना जरूर बनता है। और हम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं और फैन भी हैं दोनों। और हाँ, उसके बाद फिर फाइनली हम लोग का प्लान है जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे। तो फाइनली इसके बाद हम लोग का प्लान है वाघा बॉर्डर जाने का, तो और वहाँ के लिए थोड़ी सी टाइमिंग हम लोग को देखनी पड़ेगी, बस लेट ना हो। तो बस फटाफट जल्दी अब रूम से निकलते हैं, तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट सीधा लंगर में ही करेंगे, तो लंगर खाएंगे, प्रसाद लेंगे, उसके बाद फिर अपना चलते हैं आगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनर्जी थोड़ी सी लो है, आई डोंट नो व्हाई, और बाकी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को जुकाम थोड़ा सा किक इन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैं सोच रहा हूँ कि एक पैरासीटामोल ले के निकले या फिर आज रात में ले लेते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। बाकी अपने घड़ी चार्ज हो गई क्या? नहीं। भाई सुबह सुबह इतना सन्नाटा है यहाँ पे, शाम में तो भाई बहुत तगड़ी भीड़ हो जाती है शाम तक, दोपहर के बाद से अभी तो दुकानें भी नहीं खुली हैं अभी, क्योंकि सुबह का 8 बज रहा है ना, इस वजह से। भाई आज हो रहा है क्लाउडी मौसम, और क्योंकि आज मौसम में ठंडा भी है, सूरज देवता भी अपने प्रॉपर तरीके से अभी निकले नहीं हैं, बादलों के बीच में छुपे हैं। बस यार कुछ भी हो, बस बारिश ना हो, तो बारिश लिखी नहीं है बट होगी भी नहीं मेरे हिसाब से। बाकी अब यहाँ पर आया ना तो अब थोड़ी सी भीड़ लग रही है, तो भाई लेकिन पता है गोल्डन टेम्पल के सामने आते हैं ना एक अलग ही पॉजिटिविटी से आपका रूबरू होगा, वो उससे महसूस की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती भाई। पता है सुबह की वाइब सच में बहुत अच्छी है भाई, बहुत पॉजिटिविटी है। रात की एक अपनी लाइट नाइफ का मज़ा है, बट यार ये जो सुबह की पॉजिटिविटी है ना, तो सुबह की जो भाई जो ठंडी ठंडी ब्रीजेज लग रही हैं और जो एकदम माहौल में जो खुशबू है भाई, बहुत बहुत पॉजिटिविटी देती है भाई, एकदम मज़ा सा आ गया, एकदम ठंडा ठंडा। और पता है आपको इस पूरी मार्केट में बीच में पूरे बेंचेस मिल जाएंगे जैसे ये हैं, तो आप आराम से बैठ भी सकते हो, शॉपिंग करो बैठ जाओ, फिर शॉपिंग करो बैठ जाओ, क्योंकि यार यहाँ पे तो शॉपिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। और हमारा भी प्लान है आज हॉल बाज़ार जाएंगे रात में, अपने लिए अपनों के लिए सबके लिए शॉपिंग करेंगे आज मस्त। तो आ चुके हैं हम लोग गुरुद्वारे के सामने, फटाफट अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। गाइस फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं लंगर हॉल में, तो बस फटाफट मतलब लंगर खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। सो बस प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर आगे।
सो बॉयज फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और भाई यार इतने अच्छे दर्शन हुए और लंगर वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था भाई। और अभी ये कि हम लोग बहुत सही टाइमिंग पे आ गए थे, 8 बजे हम लोग आ गए थे और अब तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है और लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी है और लंगर का स्वाद भाई एक नंबर था। ऑल्दो अंदर कहीं पे भी प्रीमाइसेस में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो इस वजह से हम लोगों ने कैमरा निकाला भी नहीं था। तो बस अब सीन ये है कि हम लोग जल्दी से जा रहे हैं कमरे पर, थोड़ा सामान वगैरह उठाना है, उसके बाद फिर बाइक उठा के सीधा निकलते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर, फिर वहाँ आपसे मुलाकात करते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं हमने होटल और अब जल्दी से कमरे पे चल के सामान वगैरह रखते हैं और कुछ सामान रखते हैं, कुछ सामान उठाते हैं, गाड़ी की चाबी उठाते हैं, हेलमेट उठाते हैं, फिर चलते हैं जल्दी। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ियों के पास, तो एक बार देख भी लें प्लस अपनी हायाबूसा मतलब स्प्लेंडर को निकाल रहे हैं और हम लोग स्प्लेंडर से ही जाएंगे। एंड टॉक तो अभी फिलहाल यहीं पर आराम करेगी लेकिन गंदी हो गई है बेसमेंट में, अभी थोड़ी सी माइनर धूल जो आती है ना, तो बस अब यहाँ से पहले जाएंगे बड़े हनुमान जी का मंदिर, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है, और उसके बाद फिर हमारा प्लान है अटारी बॉर्डर मतलब वाघा बॉर्डर जाने का। तो बस अब हर्ष चला रहा है बाइक, बाहर निकालते हैं बाइक और फिर बैठ के कुछ आपको मोटो ब्लॉग के सिनेमैटिक दिखा रहे हैं। बस भैया अकरा पोविक नहीं लगा उसमें। तो गाइज हम लोग आए हैं यहाँ पे पावन वाल्मीकि तीर्थ स्थल, और ये वाल्मीकि का तीर्थ, ये वाल्मीकि तीर्थ स्थल है और प्लान में स्लाइटली चेंज ये है कि एक्चुअली हम लोग जा रहे थे वाघा बॉर्डर, तो अभी हम लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा था, एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा लेके निकले थे तो इस वजह से टाइम हम लोग के पास बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने कहा कि एक हम लोगों को भैया मिले थे तो उन्होंने सजेशन दिया कि हम लोग अभी रास्ते में ये कवर कर सकते हैं, और ऑल द ये मैंने देखा भी था आइटनरी में हमारे था बट ऐसा कंफर्म नहीं था कि हम लोग आएंगे। यहाँ का एम्बियंस भाई इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब सच्ची बता रहा हूँ पंजाब में, मतलब नॉट ओनली अमृतसर, पंजाब में भाई हर चीज़ की एक अलग ही वाइब है। मैं जो कैमरे के पीछे दिखाने वाला हूँ ना वो एक बहुत ही मैजेस्टिक व्यू है, क्योंकि यहाँ की जो पॉजिटिविटी है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। तो ये चेक करें आप इतना बड़ा कुंड। तो भाई ये जो जगह है, ये इस जगह का नाम है वाल्मीकि तीर्थ स्थल, और ये जगह डेडिकेटेड है वाल्मीकि जी को, और ये जो जगह है वाल्मीकि तीर्थ स्थल, ये लगभग अमृतसर से 12 से 13 किलोमीटर दूर है चौगावन रोड पे, ये हाईवे से आपको ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ की इस जगह की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। ये वही जगह है जहाँ पे लव और कुश को जन्म दिया था सीता माता ने, ये वो कुंड है जहाँ पे सीता माता स्नान किया करती थी, और ये वही जगह है जहाँ पे लव और कुश ने हनुमान जी को बांधा था, और यहाँ पे अंदर वाल्मीकि जी की गोल्ड प्लेटेड 800 किलो की एक मूर्ति रखी हुई है, ऑलमोस्ट वो 8 फुट बड़ी है और 800 किलो की है, और बाकी यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे मंदिर ये खुलता है और रात 8 बजे तक खुलता है मंदिर, और यहाँ की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, आप जब मन चाहे आ सकते हैं, बस जो टाइम स्लॉट है बस उसमें आइए, और बाकी अगर आपका मन है कि लव और कुश का अगर आप जन्म स्थल देखना चाहते हैं, आप प्लेस देखना चाहते हैं, तो ये एग्जैक्टली वही जगह है। तो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो जितना मेरे को पता था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, बाकी अब चलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं अंदर दर्शन करके आते हैं, अगर अंदर अलाउ होगा कैमरा तो आप लोगों को ज़रूर कुछ शॉट्स दिखाएंगे अंदर के। सब ठीक है भाई, ये क्या है, समझ रहे हो ना, आना जाना ऐसा कोई यहाँ पे। तो भाई फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं वाल्मीकि जी के दर्शन करने, जो सामने आपको बताया था जो मूर्ति है वो यहीं पर है, भगवान वाल्मीकि तीर्थ, और एक्चुअली बताया जाता है कि ये यहाँ ये बिल्कुल वाल्मीकि जी की कुटिया के पास ही बना हुआ है ये मंदिर, तो यहीं कहीं उनकी मूर्ति भी थी। तो भाई दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं वाल्मीकि जी के मंदिर से, काफ़ी अच्छा था, कैमरा एज यूजुअल अलाउ नहीं था अंदर तो इसलिए कोई शूट नहीं कर पाए, तो बाकी अब हम लोग जा रहे हैं माता जी के मंदिर, और ये गैलरी देख रहे हो आप कितनी खूबसूरत लग रही है, देख रहे हो कितनी पूरी लंबी गैलरी। तो भाई चलते चलते अभी हम लोग को जस्ट एक यहाँ पे दिखाया कि श्री राम तीर्थ सीता माता का तप स्थान, यहाँ पर लव कुश ने घोड़ा पकड़कर बांधा था,
सो ये वो जगह है जहाँ पे लव कुश ने घोड़ा पकड़ कर बांधा था, और यहीं पे सीता माता जी का तप स्थान भी है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और यहीं पर उन्होंने घोड़ा भी बांधा था। तो चलते हैं, आके दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। ये शायद तप स्थान है जहाँ पे माता जी तप की थी, और ये वो पेड़ है जहाँ पे लव कुश ने घोड़े को यहाँ पे पेड़ से बांधा था। तो लव कुश ने जहाँ पे घोड़े को पेड़ से बांधा था, तो ये वो पेड़ है जहाँ पे उन्होंने बांधा था, और ये तीर्थ, ये उनका तपस्या का स्थल है। सो भाई उसके जस्ट सामने यहाँ पर है लव कुश की पाठशाला। तो यहाँ पे लव कुश की पाठशाला थी जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की थी। तो यहाँ पे वो स्थान है उसके जस्ट सामने ही है, तो यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। तो भाई उसके अभी हम लोग जस्ट पाठशाला से बाहर आए हैं, और यहाँ पर है एशियन टेम्पल, प्राचीन मंदिर। यहाँ पे ऐसा पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ पे वाल्मीकि जी ने बैठ के तपस्या की थी। और अब ये है, नीचे कुंड है, तो ये शायद मे बी वो कुंड है जहाँ पे सीता जी स्नान किया करती थी। और ये चीज़, ये जगह वो नहीं है, ये कुंड दूसरा है, बट जहाँ तक है ये वो कुंड है, और मे बी शायद दोनों का पानी एक ही है। तो अभी चलते हैं नीचे कुंड देख। तो भाई जो अभी आप लोग को कुंड दिखाया था वहाँ से अभी हम लोग जस्ट नीचे आए हैं, उतर के ऐसे ये रास्ता है, यहाँ से आप नीचे आ सकते हो। और नीचे आके ये वो कुंड है जहाँ पे सीता माता स्नान किया करती थी। तो यहाँ के आप लोग भी दर्शन कर लो, हम लोग भी दर्शन कर ही रहे हैं। तो अब ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ की सारी जगह हम लोगों ने कवर कर ली है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं निकला जाए। सो भाई अब हम लोग चलते वहाँ से हम लोग चलते हुए आ रहे थे, और यहाँ पे अब आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे सीता माता धरती में समाई थी, ये है वो जगह। हम लोग बस अब दूर से बाहर से दर्शन कर ले रहे हैं। जय हो सीता मैया की। चलें भाई, चलो। तो भाई फाइनली अब हम लोगों ने यहाँ के फुल पूरे दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग जल्द से जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को लेट हो रहा है, तो इसलिए हम जल्दी से शूज़ पहन के और प्रसाद का पैसा दे के बस फिर बाइक एकदम भगानी है, क्योंकि लेट हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा लेट हो गए तो फिर वहाँ पर हम लोग को सीट नहीं मिलेगी। तो ये मैटर है। तो बस यहाँ के बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर आना, फुल्ली रिकमेंडेड है। बाकी एक बार जगह का लोकेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बस अब चलते हैं अब अपने वाघा बॉर्डर। भाई बात ऐसी है, सामने आपको पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये फॉग हो रहा है, अपना इंडिया का झंडा है और उधर है पाकिस्तान का झंडा। तो ऑलमोस्ट बस यहाँ से 900 मीटर्स रह गया इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। वी हैव अबाउट टू रीच वाघा बॉर्डर। बस थोड़ा सा जाम है, और आप ये सब ले सकते हो अगर आप लोग को लेना है। हम लोग कुछ नहीं लेंगे, हम लोग बस सिंपली आए हैं, सिंपली जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बस अब ज़रा पहले पार्किंग देख लेंगे, पार्किंग का क्या सीन है भाई यहाँ पे। ओहो, चेक दिस आउट गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली वाघा बॉर्डर। देख रहे हो बॉयज, वाघा बॉर्डर आते ये तो एक रिचुअल है भाई, ये तो करना ही पड़ता है। और हम लोगों ने भी लगवा लिया है, यहाँ पे 40 रुपीज़ पर पर्सन था। तो अब जस्ट हम लोगों ने भी पार्किंग में लगा दी है। अब हम लोग निकल रहे हैं वाघा बॉर्डर की तरफ, जहाँ पे परेड्स वगैरह होती हैं। और यहाँ पे आपको सामने एंट्री है, और एंट्री के लिए आपको 12 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो वो आपको देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। भाई यार भूख भी लग रही है, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं, लंगर का सीन हो रहा था बट नहीं लिया हम लोगों ने। अब यहीं से कुछ ले लेते हैं, अंदर बैठ के यही सब खा लेंगे। तो भाई हम लोगों ने बैग वगैरह सब जमा कर दिए, और खाने के लिए एक ले लिया है सैंडविच और एक पैकेट ले लिया। तो बस अब यहाँ पर एंट्री है मेन, तो वेलकम टू अटारी। तो बस अब जल्दी से अंदर चलते हैं भाई, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है भाई। तो भाई हम लोग सिक्योरिटी चेक करके निकल चुके हैं, और जितना भी आप लोग के पास सामान है ना, वो सब आपको बाहर निकाल के पहले चेक करवाना पड़ता है। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आप अंदर नहीं लेके जा सकते, कोई भी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं, सब कुछ निकलवा लिया जाएगा। तो अब आ चुका है वेलकम टू JCP अटारी, और उधर दिख रहा हम लोग को पाकिस्तान का झंडा भाई साहब। लेकिन आज थोड़ा सा स्मॉग भी वेदर है, तो इसलिए भाई आज सूर्य देवता अपना जरा ऑरेंज चमक रहे हैं। ओहो भाई, अभी तक से वीडियोस में देखते थे, अब सामने से देखने को मिल रहा है भाई।
तो भाई इधर अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं प्रॉपर अंदर स्टेडियम में, मतलब जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होता है वहाँ बिल्कुल ठीक सामने है, और इस साइड अपना इंडिया है और इसके जस्ट उधर है अपना, मतलब अपना नहीं, इधर है अपना इंडिया और उसके जस्ट अपोजिट सामने है पाकिस्तान। पाकिस्तान का झंडा आप लोग को दिख रहा होगा और इधर है अपना इंडिया का झंडा, इधर है अपना आर्मी का झंडा अगर आपको दिख रहा होगा। सो बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हो। भाई साहब भीड़ देख रहे हो भाई, सो भाई ये चेक कर रहे हो आप कितनी ज़्यादा भीड़, भाई खचा खच भरा हुआ एकदम, और यहाँ पे शो शुरू हो चुका है तो मे बी बस परेड स्टार्ट हो चुकी है और बस अब कुछ ही देर में अभी कुछ ही देर में बॉर्डर खुलने वाला है और वहाँ की आर्मी और अपनी इंडियन आर्मी का अपनी इंडियन आर्मी मिलेगी और शायद जहाँ तक है अभी सेरेमनी जो होगी फ्लैग एक्सचेंज की होती है। बॉर्डर खुल चुका है और अब पाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी का अब परेड शो चल चुका है भाई यहाँ पे। भाई बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही भाई, इतना प्राउड मोमेंट है भाई ये सच्ची में। ये रहा अपना इंडिया का फ्लैग, ये रहा पाकिस्तान का फ्लैग और इन लोगों को अब नीचे उतारा जा रहा है और वो वाला जो ऊपर फ्लैग लगा है वो भी नीचे उतार रहे हैं और ये वाले भी नीचे उतारे जा रहे हैं फ्लैग्स। भाई ये तो बात है कि एक्चुअली जूम नहीं हो पा रहा है तो इस वजह से वो क्वालिटी पता नहीं चल पा रही है, लेकिन जो नेकेड आइज से यार जो फील आ रहा है ना भाई, सच्ची बता रहा हूँ, जो वो यहीं आके भाई फील हो सकता है खाली। एंड ऑलमोस्ट फ्लैग्स उतार लिए गए हैं। पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपना इंडियन फ्लैग को लेके जाया जा रहा है भाई, ये रहा अपना खूबसूरत तिरंगा, फुल्ली रिस्पेक्ट से इसको लेके जाया जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपना फ्लैग लेके गया है उधर से, तो अब बॉर्डर क्लोज हो जाए भाई, अब असली बसड़ होगी यहाँ से निकलने में। भाई देख रहे हो, ये चेक कर रहे हो भाई, भीड़ एकदम स्टेडियम जैसे खचा खच भरा हुआ है भाई ये, और अपने को निकलना बहुत मुश्किल। अब ये देखो एकदम तुरंत वहाँ पे बॉर्डर क्लोज होगा और यहाँ पे फुल बैरिकेडिंग वगैरह अब कर दी जाएगी और अब मेरे ख्याल से अब गेट बंद होने ही वाला है भाई। सो भाई अब फाइनली बॉर्डर का गेट अब बंद हो चुका है तो अब निकला जाए यहाँ से भाई। अब वाघा बॉर्डर से ले रहे हैं एग्जिट अपना भाई, यहाँ इतना प्राउड फीलिंग है ना भाई, ये लिखा हुआ है यहाँ से निकलने की अलग ही, और ये यही वो रोड है जितने जिससे सीधा आगे पाकिस्तान निकलता है, तो बस अब यहाँ से बहुत गंदा भसड़ होने वाली है भाई निकलने में। ये चेक कर रहे हो भाई भीड़। 2000 years later फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए हैं दुर्गियाना तीर्थ, ये इसकी काफ़ी मान्यता है, बहुत फेमस मंदिर है और यहीं पर ही बड़े हनुमान जी का मंदिर भी है, तो फिलहाल चलते हैं अंदर। तो बॉयज़ फाइनली हम लोग आ चुके हैं प्राचीन बड़े हनुमान जी के मंदिर, फाइनली आ चुके हैं हम लोग बड़े हनुमान जी के मंदिर, बहुत मुश्किल से ढूंढा क्योंकि बहुत अंदर गलियों में जाते हैं भाई, और अभी इससे जस्ट पहले हम लोगों ने अभी क्या कहते हैं लक्ष्मी नारायण और कृष्ण जी का भी दर्शन किया बाहर मंदिर में, वो मैं शूट नहीं कर पाया
क्योंकि वहाँ फोन वगैरह अलाउ नहीं था, वहाँ भंडारा भी चल रहा था, अन्नकूट का भंडारा चल रहा था एक्चुअली वहाँ पे। और यहाँ पे होता है बहुत बड़ा लंगूरों का मेला, लंगूरों का मेला तो ये भी मैंने देखा था। तो आज वैसे भी मंगल है, आज वैसे भी ट्यूसडे है, तो आज तो दर्शन करना बनता ही है गाइस। तो भाई बात ऐसी है कि हम लोग के अब यहाँ के ऑलमोस्ट सारे दर्शन पूरे हो चुके हैं, बस अब शूज़ वगैरह लाएँ और अब पहन के निकलते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जो जगह है दुर्गाना माता मंदिर, एक्चुअली पूरा एक परिसर टाइप का है, यहाँ पे तीन मंदिर के आप लोग दर्शन कर पाओगे। एक तो है लक्ष्मी नारायण जी का, कृष्ण जी का मंदिर है, तो नाम नहीं मेरे को एग्जैक्ट याद आ रहा है, और एक है बड़े हनुमान जी का मंदिर और एक है शीतला माता जी का मंदिर। तो यहाँ पे आपके तीन मंदिर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप बहुत आराम से आपके आके दर्शन बहुत आराम से कर सकते हो। इतना ज़्यादा यहाँ पे रश भी नहीं है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब प्लान ये है कि अब यहाँ से लंगर खाने, और लंगर खाने के बाद फिर हम लोग का प्लान रहेगा हॉल बाज़ार एक्सप्लोर करने का, क्योंकि शॉपिंग हम सोच रहे हैं आज ही निपटा लें। तो बस इतना ही प्लान है, और हद से ज़्यादा थक गए हैं भाई, बहुत थकान हो गई है, इसलिए काफ़ी लो एनर्जी लग रही है भाई। तो ये इस गेट का नाम है गांधी गेट, और भैया देखो, और इस पर लिखा भी हुआ है हॉल गेट ये हमेशा ओपन है, आप लोग को जब भी आना आप तब आ सकते हो। बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई, एकदम लखनऊ की याद दिला दी, ऐसे रूमी दरवाजा है ना एकदम वैसे ही। तो अब ये शुरू हो चुकी है अपनी हॉल बाजार, शायद यही है या फिर मे भी आगे से स्टार्ट होगी। तो अब अपना खाना वाना सब एकदम डन हो चुका है, तो अब हमारे लिए खाली सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग का ही काम बचा है, अब वो निपटाएंगे और फिर जाएंगे रूम पर। अब देखते हैं हॉल बाजार से क्या क्या लेते हैं, आपको दिखाने लायक होगा तो आप लोग से भी शेयर करेंगे। भाई यार कलेश के बिना अपना दिन ख़त्म हो ऐसा हो थोड़ी सकता है भाई, प्रॉपर्टी हो गया है कि हॉल मार्केट हो चुकी है बंद, पीछे देख रहे हो पूरी मार्केट बंद पड़ी है, देख रहे हो भाई पोपट हो गया यार। किसी ने हम लोग को बोला था 11 बजे तक खुली रहती है, हम लोग इस चक्कर में आए थे, लेकिन 9 बजे यार पूरी मार्केट बंद हो जाती है, ऐसे भी एक दो दुकानें खुली हैं वो भी बंद होने वाली हैं भाई। हम लोग सोच रहे हैं अपने जहाँ पे होटल है वहीं उसी की बाज़ार एक्सप्लोर कर लेते हैं, अब तो और कोई ऑप्शन है नहीं। तो गाइस यार ये डायरेक्ट शुरू हो रहा है रूम से व्लॉग, और यार देखो आपको बताया था मैंने कि यार खतरनाक वाली बीटी हो गई कि शॉप्स सारी बंद हो गई, अपने हॉल बाज़ार पूरा बंद हो गया। तो भाई मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ हॉल बाज़ार का टाइम है भाई 9 बजे भाई पूरा बंद हो जाता है, ऐसा मेरे को लोगों ने पेरेंट मैं पहले लोगों के कहने पे इन्फ्लुएंस हो गया था यार कि यहाँ पे 11 बजे तक खुलता है, लेकिन 11 बजे नहीं खुलता, 11 बजे तक नहीं खुलता, सिर्फ और सिर्फ 9 बजे तक है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी बस फटाफट पैकिंग सी चल रही है नॉर्मल, क्योंकि जिससे लास्ट टाइम पे हेक्टिक ना हो, और डेटा अपने ट्रांसफर पे लगा दिया है, गोप्रो का कर दिया, बस फ़ोन का बचा हुआ है। और यार बात ऐसी है कि मेरे को थोड़ी सी हम दोनों को तबीयत भी ढीली लग रही है, तो फिर तो सोचते हैं कि दवाई लें और फिर रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है भाई सुबह से, इतना चले हैं ना। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और बिल्कुल लगा होगा क्योंकि मैं भाई पहली बार वाघा बॉर्डर गया हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है पंजाब में। सच्ची बता रहा हूँ पंजाब के लोग भाई सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, जिससे भी जैसे भी कभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ के कम्युनिकेशन स्किल सच में भाई एकदम बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं एक वाइब वाला बंदा हूँ, मेरे को वाइब्स अगर नहीं मैच करती मैं उस जगह सच में दोबारा मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मैं सच में नहीं जाता, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आप लोगों को सच बात बता रहा हूँ। तो और यार यहाँ पे आते ही लाइक पूरे पंजाब में आते ही भाई बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की। और पता है यार मेरी मानो तो एक बार ज़रूर लाइफ में अमृतसर आके प्रॉपर तरीके से टाइम निकाल के ज़रूर घूमना, बहुत बहुत शानदार प्लेस है भाई, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। देख रहा हूँ मैं तारीफ करते करते नहीं थक रहा हूँ, तो अब आप समझ जाओ कि कितनी अच्छी प्लेस होगी। इसी गुड नोट के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और शेयर जरूर करना यार, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक आप सब अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ एंड राइड सेफ, बाय बाय।